नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में दोस्तों आज हम राष्ट्रीय उद्यान जीव अभ्यारण और पक्षी विहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी रेलवे एसएससी और बाकी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा क्षेत्र है ये बायोस्फीयर रिजर्व वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर का पक्षी विहार स्थित है कौन से राज्य में स्थित है गुड़गांव में स्थित है क्या स्थित है सुल्तानपुर का पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर गुड़गांव में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है कहाँ पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है कौन से अभ्यारण्य में जंगली हाथी पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं ये पेरियार में कहाँ पर पेरियार में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सही नहीं है कौन सा नहीं है दाची गाम कहाँ पर क्या पाया जाता है यहाँ पर हाथी ये क्या नहीं है सुमेलित नहीं है गिर में क्या पाए जाते हैं एशियाई शेर ये सही है केवला देव में क्या पाए जाते हैं साइबेरियन सारस ये भी ठीक है कांची रंगा में क्या पाया जाता है एक सिंग वाला गेंडा लेकिन दाची गांव में हाथी नहीं पाया जाता इसलिए ये सुमेलित नहीं है दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है अब कौन से राज्य में स्थित है ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थित है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है कहाँ पर है ये गाहिर गा माथा में कहाँ स्थित है ये गहिर माथा में सरिस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है सरिस का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है कहाँ स्थित है ये राजस्थान में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बुल उद्यान लाम जाओ पर स्थित कहां पर स्थित है ये मणिपुर में स्थित है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हैंगा किसके लिए जाना जाता है कांची रंगा जो है अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है तो ये किसके लिए जाना जाता है गेंडा के लिए जाना जाता है यह अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं गेंडे पाए जाते हैं नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है कहाँ पर स्थित है ये गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण कहाँ पर स्थित है ये गुजरात में स्थित है पेरियार गेम अभ्यारण कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है जो पेरियार गेम अभ्यारण है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है चंद्र वन्य जीव अभ्यारण्य पर स्थित है कहाँ पर स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कांची राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है ये है भरतपुर कहाँ पर राजस्थान में भरतपुर के राजस्थान में स्थित है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी जियुमंडल मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है कहाँ पर असम में अभ्यारण राइनो के लिए जाना जाता है जो अभ्यारण है राइनो वो किसके लिए जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है वो कांची रंगा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है कहाँ पर स्थित है ये उत्तराखंड में, में वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है ये प्रश्न भी बन सकता है या ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है व्याघ्रो के लिए प्रसिद्ध है कई के लिए ये व्याघ्रो के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध स्थित है कहाँ पर स्थित है ये गुजरात में कहाँ पर गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये सिक्किम में स्थित है डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर स्थित है मिजोरम में डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है किबुल लाम ला लाम जाओ कौन सा किबुल लाम जाओ ये किसके अंतर्गत नहीं आता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका एशियाई हाथी का जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क है वो प्राकृतिक आवास है किसके लिए एशियाई हाथियों के लिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है कौन सा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है कहाँ पर स्थित है ये बन्नर घट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में ये काय के लिए प्रसिद्ध है तितली उद्यान के लिए बन्नर घट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में स्थित है ये निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है वाल्मीकि हजीराबाग किसके साथ नहीं बैठता है ये वाल्मीकि हजीराबाग भारतीय गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते, है? जाते हैं कांचीरंगा रंगा अभ्यारण्य में यहाँ क्या पाए जाते हैं भारतीय गेंडे बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है ये मध्य प्रदेश में कहना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है इनमें से कोई नहीं है यानी कि इन सभी में से कहीं पर भी स्थित नहीं है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है हाथी पाया जाता है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण कौन सा है कौन सा है बाघ अभ्यारण नागा अर्जुन बाघ अभ्यारण सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण है भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है कहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ पर स्थित है जैसलमेर में दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या पाया जाता है तेंदुआ पाया जाता है जो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है कौन सा स्थित है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़ में स्थित है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है कौन नहीं है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुलू हंगुल हंगुल पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये हंगुल में इस ये सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है किसमें अंडमान और निकोमार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर स्थित है मंडला में मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है मन्नार की खाड़ी ये कौन सा है सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये मन्नार की खाड़ी में कांची रंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है किसके लिए, लिए प्रसिद्ध है ये गेंडे के लिए कांची रंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा नहीं है बुक्सा बिहार ये सुमेलित नहीं है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है कौन सा स्थित है मिजोरम में डम्फा स्थित है पेरियार वन्य पशु विहार विहार किस राज्य में स्थित है पेरियार जो है वन्य पशु विहार वो किस राज्य में स्थित है कौन से राज्य में स्थित है ये केरल में स्थित है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है किसके लिए महत्वपूर्ण है बाघ और हाथी के लिए राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है किस राज्य में स्थित है ये राजस्थान में स्थित है सरिस्का किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया कौन से वर्ष में हुआ था ये उन्नीस से चौहत्तर के बीच में कहना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है ये बाघों के लिए कहाना राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है भारत में जंगली गड़ है घोड़खूर निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं ये कच्छ का रण में पाए जाते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद